नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम नंबर वन कार्यक्रम आर पार। कर्नाटक की चुनावी चाल में कौन फ्रंट फुट पर है, कौन बैक फुट पर है, कौन मुद्दे उठा रहा है और कौन इन मुद्दों को भुना रहा है, आज इसका मैं 360 डिग्री वाला विश्लेषण करूंगा और साथ ही आपको एक बड़ा सर्वे दिखाऊंगा जो कि लेटेस्ट है कर्नाटक पर। कर्नाटक चुनाव में राजनीति और रणनीति दोनों से काम हो रहा है। अब चीजें काफी हद तक साफ हो गई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के बाद यूसीसी और एनआरसी के नाम पर एक और बड़ा दांव चल दिया है और एक बड़ा संदेश भी देने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पीएम मोदी पर जोरदार जबरदस्त अटैक कर रही है। कर्नाटक का किला फतह करने में जुटी है कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस की गाली वाली सियासत जारी है। पहले प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बताकर खड़गे ने 91 गालियों की संख्या पूरी की, अब उनके बेटे प्रियांक खड़गे मैदान में उतरे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को नलायक बेटा कहकर संख्या को 92 तक बढ़ा दिया है, यानी 92 तक पहुंचा दिया है, सेंचुरी से भी 8 पीछे। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के बाद समान नागरिक कानून यानी यूसीसी का मुद्दा इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नलायक सियासत और आज लेटेस्ट सर्वे, कर्नाटक चुनाव पर अब तक का सबसे लेटेस्ट सर्वे मैं आपको दिखाने वाला हूं आर पार में। अलग अलग गालियां दी है, प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बताकर खड़गे ने 91 गालियों की संख्या पूरी करवाई थी और उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने इस संख्या को 92 तक पहुंचा दिया है। आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता, ऐसा नालायक बेटा बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा? बबूल के पेड़ में आम नहीं फल सकता है, उनका पुत्र ने अपने संस्कार को प्रदर्शित किया है। आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी भी अपने ही अंदाज में कांग्रेस की गालियों का जवाब दे रहे हैं। सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है, मेरे लिए देश की जनता शिव का ही स्वरूप है। कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है। कांग्रेस के नेताओं में गाली देने की स्पर्धा चल रही है। मैंने आज ही मन की बात की सेंचुरी पूरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस गाली देने की सेंचुरी इसी चुनाव में लगा देगी, ऐसा लगता है। इस बीच बीजेपी ने कर्नाटक के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कर्नाटक में एनआरसी लागू करने का वादा भी शामिल है और समाज में सामाजिक समरसता के साथ सब लोग बढ़ें, इसके लिए आवश्यक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। सभी लोग कर्नाटक में मोदी जी के साथ अटूट प्यार और विश्वास रखते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी को गाली वाला कांग्रेसी दाव और बीजेपी का 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने वाले एक्शन के बीच कर्नाटक में किसका सियासी पलड़ा भारी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन विश्लेषण पर जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं कि कर्नाटक चुनाव पर सबसे लेटेस्ट सर्वे, प्रधानमंत्री की रैली के बाद, प्रधानमंत्री को जो गाली पड़ी उसके बाद यह पहला सर्वे न्यूज 18 कन्नड़ ने किया है। वो सर्वे हम आपको कुछ देर में
लाइव और एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। उसके आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, हमारी टीम उन आंकड़ों को तैयार कर रही है, वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लेकिन 360 डिग्री वाला विश्लेषण क्या है? आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, कांग्रेस का दाव है मोदी को अटैक करने का प्लान है, बीजेपी का दाव है एनआरसी और यूसीसी जैसे मुद्दों को उठाकर एक बड़ा मैसेज दिया जाए। इसके अलावा सत्ता मिलने पर 4% मुस्लिम आरक्षण बहाल करेगी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी का दाव है कि 4% मुस्लिम आरक्षण हटाकर लिंगायत और वोकलिंगा जो कि दो बड़े समुदाय हैं उनको फायदा पहुंचाया जाए, और अगर मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में आते हैं तो फिर उनको लाभ मिले, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण ना हो, यह बीजेपी का दाव है। बीजेपी को कांग्रेस 40% कमीशन वाली पार्टी कह रही है। कांग्रेस का एक नारा है कर्नाटक के अंदर जिससे कांग्रेस को लगता है कि एक बड़ा हड़कंप वो मचा सकती है, एक जगरनट हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो 40% वाला आरोप है, जो 40% वाला आरोप है वो बड़ा आरोप कांग्रेस लगा रही है और लगातार बीते कई महीनों से लगा रही है। लेकिन बीजेपी ने इसकी काट को धूंधा है और प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 85% कमीशन का इतिहास उनका याद दिलाया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का आज संकल्प पत्र आया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो 10 लाख बेघर लोगों को मकान का वादा किया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महिलाओं को वो हर महीने 2,000 रुपए देने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या एनआरसी और यूसीसी का मुद्दा चुनाव की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है? लेकिन बड़ी बात, आज बड़ा सर्वे हम पेश करने वाले हैं, आपसे कुछ मिनट बाद वो आंकड़े हमारे पास होंगे जो कि बताएंगे कि रैली के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने गाली दी उसके बाद का सर्वे क्या कहता है, क्या बीजेपी आगे है या कांग्रेस पार्टी आगे है, क्या बीजेपी का किला बच पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार कर्नाटक में इस बार हर हाल में चाहते हैं कि कांग्रेस की हर हाल में वापसी हो जाए, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ टावल है डीके शिव कुमार को लेकर और सिद्धारमैया को लेकर, बीजेपी में भी भीतरघात है, दोनों पार्टियां भीतरघात से जूझ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या प्लस मोदी कर्नाटक यानी मोदी फैक्टर बड़ा फैक्टर होगा कर्नाटक के अंदर, क्योंकि मोदी की रैली के बाद, नरेंद्र मोदी की रैली के बाद और मोदी को जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपशब्द बोले उसके बाद ये पहला सर्वे है, ये पहला बड़ा सर्वे क्या कहता है, निकल कर आता है, हम आपको बताएंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ कलीम उल हाफिज है जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। शुभराष्ट्र है मेरे साथ जो कि जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक है, लेखिका है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राधिका खेड़ा है कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया, कांग्रेस पार्टी ने एजेंडा साफ कर दिया है, उनके टारगेट मोदी हैं, पहले बड़े खड़गे साहब अब छोटे खड़गे साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं नालायक बेटा। देखिए, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई, और एक कहावत है ना अमीर जी, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वही हालत कांग्रेस पार्टी की आज है। मैं ये प्रोग्राम जो है कर्नाटका की धरती से ही कर रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हार चुकी है, और तभी उनके पास कोई विकास के मुद्दे पे चर्चा करना है ही नहीं। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है, हमने बताया है कैसे डबल इंजन की सरकार ने आईटी दिया, 12.5 करोड़ टीके कर्नाटका में कर्नाटका भाई बहन को लगाए, 4 करोड़ घरों में राशन पहुंचा, एक एयरपोर्ट शिवमोगा में आया और तमाम और काम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को गाली क्यों दी जा रही है, ये आज बड़ा सवाल है, और ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि खड़गे रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष है और उनको भी सोनिया गांधी राहुल गांधी को खुश रखना है, जो कि परिवार की परिक्रमा करना, पूजा करना, यही सारे चाटुकार कांग्रेसियों का काम है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, खड़गे जी ने पहले कहा 100 सर वाला रावण, क्या हुआ अमित जी, गुजरात में 156 सीटें ऐतिहासिक, लेकिन लेकिन भाजपा की काउंटर पॉइंट है, आप कह रहे हैं हमने देखा कैसे काउंटर पॉइंट जहरीला सांप बुलाया मोदी जी को, और मोदी जी कह रहे हैं मुझे गाली दो, विष दो, मैं जो है अमृत दूंगा जनता को, तो जितना ये विष घोलेंगे उतना अमृत
नरेंद्र मोदी जी जो है कर्नाटका की जनता के लिए विकास के द्वारा यहां पे समर्पित करेंगे। आपका कॉल कट गया है, फोन करवा। मैं दोबारा लगाता हूं, कॉल कट गया है, लेकिन आप तो कांग्रेस को ही काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस हार चुकी है चुनाव, नतीजों से पहले आपने नतीजा बता दिया है। राधिका खेड़ा वो कह रहे हैं कि चाटुकारों की पार्टी है, चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी। योर रिएक्शन? चलिए देखिए, ये साफ दिखाई दे रहा है कि, और सारे सर्वे भी बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है दोबारा कर्नाटक में। वैसे भी इन्होंने जिस तरीके से खरीद फरोश करके सरकार बनाई थी उसका एंड नतीजा यही होना था। और रमेश जी, देखने की बात है कि देश में जो पहली बार दुनिया में कोई ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो ये गिन लेते हैं कि उनको गाली कितनी दी, लेकिन वो आज तक ये नहीं गिन पाए कि देश में बेरोजगार कितने हैं, वो ये नहीं गिन पाए कि उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कितनी मीडिया से चर्चा करी है, वो ये नहीं गिन पाए कि जो 300 किलो आरडीएक्स आया और जो पुलवामा का हमला हुआ जिसके लिए खुद इनके गवर्नर कहते हैं कि इन्हीं की कमी से हुआ, उसके बारे में नहीं गिन पाते हैं। वो ये भी नहीं गिन पाते कि विश्व का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार हो गया, कितने का हुआ उस पर चुप्पी साध लेते हैं। इतने सारे मुद्दे हैं, चाहे नंदिनी का मुद्दा हो जिसको अमूल की वजह से रिप्लेस किया जा रहा है, चाहे 40% का कमीशन खोर का मुद्दा हो, चाहे उस आदमी का मुद्दा हो जो इनका फेवरेट है बसव गौड़ा, जिसने सोनिया गांधी जी को विश कन्या बोला, जिसने ये तक बोला कि वो पाक चीन की एजेंट है। ये सारी चीजें वो नहीं गिन पाते हैं और देख नहीं पाते, और ना ही वो ये देख पाते हैं कि जो उनको रिसीव करने आदमी गया मल्लू, जिसपे 2 हत्याओं का आरोप है, वो देश के प्रधानमंत्री को रिसीव करने जा रहा है। तो ये सारी चीजों से बच के निकलने का है, और इसीलिए जो एक हसियाने बिल्ली खंबा नोचे की कहावत बता रहे, वो हालात आज भारतीय जनता पार्टी की है दिखाई दे रहा। और बहुत सही कहा गौरव जी ने, डबल इंजन की सरकार की बात करी, वैसे ही डबल इंजन की सरकार जिसकी चर्चा मोदी जी ने करी थी हिमाचल में और वोट मांगा था, और उस डबल इंजन को चलता कर दिया था। प्रियंका वाड्रा को कोट कर रहा हूं, वो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली दे रहे हैं, हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है कि गाली क्या है, मैं गाली खाऊंगा इस देश के लिए। प्रियंका वाड्रा ये प्रधानमंत्री के लिए कह रही है। प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि नलायक बेटा है नरेंद्र मोदी। मैंने जैसा कहा, क्या प्रधानमंत्री ने मीर आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में स्नूप नखा कहना कि रामायण की याद आ गई, ये बोल देना कि 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा, मैं इनके बीच में नहीं बोली 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा, ये सब शब्द बोले गए। और कई बार लेकिन मीर जाफर, और ये आप भूल रहे कि अपना सरनेम नहीं जानते, ये नहीं जानते अपना पिता कौन है, ये सब बोला जाता है। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है क्या? इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं? ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सिखाया जा रहा है बच्चों को। वो कह रहे हैं कि नलायक का बेटा इसलिए क्योंकि इस तरह की शब्द बोलते हैं। दूसरी चीज महत्वपूर्ण चीज, आप वापस अपने मुद्दे पर लौट के आए हैं। यूसीसी आपकी सरकार तो वहां पर पिछले 4 साल से है, अगर आप उत्तराखंड में यूसीसी कर सकते हैं तो कर्नाटक में अभी तक क्यों रुके रहे? ये एक सवाल आएगा, क्या ध्रुवीकरण चाहती है भारतीय जनता पार्टी? गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, संविधान को लागू करना, संविधान निर्माताओं ने जो मूल भावना संविधान की नागरिकों को दी, चाहे यूसीसी हो और चाहे मुसलमानों को जो तुष्टिकरण की राजनीति करके आरक्षण इन्होंने दिया था उसको समाप्त करना हो, ये दोनों संवैधानिक है। और जो कांग्रेस ने किया वो तुष्टिकरण की राजनीति है। मैं केवल ये कहूंगा, प्रियंका वाड्रा गांधी कह रही हैं प्रधानमंत्री जी से कि राहुल गांधी से सीख लो, जरा अध्ययन कर लेते हैं राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं देश का चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगते हैं झूठ के लिए और सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देते हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है अमीर जी जो अपनी सांसदी इसलिए खोते हैं क्योंकि वो अपशब्द कहते हैं और न्यायालय उन्हें सजा देती है 2 साल की। राहुल गांधी वो व्यक्ति है, भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा 3 सदस्य एक परिवार से भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। और प्रियंका वाड्रा पे आते हैं, प्रियंका वाड्रा तो जनरल सेक्रेटरी बनाई गई क्योंकि उनकी एक ही विशेषता है, लेकिन वो कह रही है कि वो और उत्तर प्रदेश सामने आकर रोता है। एक मिनट सुनिए, सामने आके रोता नहीं है, देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को धोता है क्योंकि इनके पास से भ्रष्टाचार की बदबू, परिवारवार की मैल दिखाई देती है और इसीलिए इनको धोया जाता है। मैं केवल एक बात कह के अपनी बात को अंत करूंगा।
प्रियंका वाड्रा गांधी, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं मैं, नहीं ऐसे नहीं होगा प्लीज अमित जी, तो आप मर्यादा बनाए रखिए, आप यूजीसी इसलिए लेके आना चाहते हैं क्योंकि आप फिर वही पॉलिटिकल गेम खेलना चाहते हैं, आप अनुच्छेद 44 क्या कहता है बताइए अमीर जी, अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 जो कहता है वो हम सबको पता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यूसीसी आपका 4 साल का शासन, सारे दर्शकों को भी बताइए, गौरव भाटिया यूसीसी आपका 4 साल का शासन, आरोप लगा रहे हैं कि ये तुष्टीकरण है, गौरव जी इत्मीनान से, यूसीसी आपका 4 साल का शासन था, क्यों नहीं लाए, अब क्यों ला रहे हो, ये सवाल है। मैं बताता हूं, संविधान हमें मिला 70 साल हो गए ना, उससे ज्यादा, और आप जानते हैं 55 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, नहीं लाई हमने तो, गुजरात में कमेटी बनाई, उत्तराखंड में कमेटी बनाई, सिफारिश आ रही है, उत्तर प्रदेश में यही हुआ, अरे बात सुन लीजिए अभी जी, इस तरह से आप चर्चा कराना चाह रहे हैं, सवाल है मेरा, बस तू तू मैं करते हैं, बिल्कुल तू तू मैं नहीं कर रहा, सवाल का उत्तर ही तो दे रहा हूँ, और मैं तो पूछ रहा हूँ कि 4 साल तक आपको याद नहीं आया, और 4 साल जैसे ही 4 हफ्ते बचे चुनाव के लिए तो आपको याद आ गया, तो सवाल तो पब्लिक भी उठाएगी ना कि आप भी ध्रुवीकरण चाहते हैं, आप यूसीसी के नाम पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, दिस इज अ काउंटर क्वेश्चन गौरव भाटिया, आंसर दिस। अमीर जी, भगवान उनकी सोच को ठीक करे, सद्बुद्धि दे, जो ये सोचते हैं कि संविधान को लागू करने में तुष्टिकरण की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति होती है, और बात समय की रही, अनुच्छेद 370 टेम्पररी था, 70 साल हटा नहीं पाया कोई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं हटाया, इसलिए जब उचित समय होता है तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, प्रियंका चुनावों से, उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले उचित समय है, एक मिनट अभी जी, आपको मैंने मौका दिया पता सकते बोलने का, चुनावों से पहले उचित समय कैसे है, प्लीज चुनावों से पहले उचित समय कैसे है, मैं बताता हूँ जी, प्लीज बताइए, समझाइए, मैं बिल्कुल बताता हूँ जी, प्लीज सुनिए, हाँ आप, आपको याद है उत्तराखंड के चुनाव से पहले हमने कहा था जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हम लागू करेंगे, एक कमेटी बनाई, उसकी सिफारिश आई, यही हमने गुजरात में किया, और गुजरात की जनता ने हमें सर आंखों पर रखा, 156 सीटें दी, इतिहास बना, अब मैं अपनी बात पूरी, यानी चुनावी टूल किट है ना ये भारतीय जनता पार्टी की, चुनावी टूल किट है ना, नहीं एक सेकंड, ये भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट है ना, कि जैसे इलेक्शन अनाउंस होगा उससे पहले यूसीसी की बात करेंगे आप, 4 साल निकला चुनाव से ठीक पहले होगा, मैं कभी कभी ये मैं ये भी बताता हूँ आपको, यूसीसी जब आया हमारे संविधान में, मैंने 70 साल की बात करी, आप लगे हैं कि 4 साल में नहीं लागू करा, मैं सद्बुद्धि कहूंगा आपको भी मिले, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, हर बात पे मत टोकिए, अच्छा नहीं लगता। आज बड़ा सवाल ये है, नरेंद्र मोदी जी को गाली क्यों दी जा रही है, राष्ट्रपति को गाली क्यों दी जा रही है, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा क्यों कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली क्यों दी जा रही है, आज बड़ा सवाल ये है। और मैं प्रियंका वाड्रा गांधी पे अपनी बात खत्म करूंगा, प्रियंका वाड्रा गांधी आज नसीहत दे रही हैं, उत्तर प्रदेश गई थी, 399 सीटों पे चुनाव लड़वाया, और इनकी सीटें आई 2, 387 पे जमानत जब्त हो गई थी, वो व्यक्ति आज कह रहा है राहुल गांधी से सीखो, कम से कम अपने गिरेबान में झांके और राधिका वेटिंग फॉर लोगों के, राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, ये आपकी टूल किट है मोदी को गाली देने की, पहले आपके अध्यक्ष ने गाली दी, अब उनके सुपुत्र ने गाली दी, क्यों लगातार उन्होंने गाली थोड़ी होती है, जो खड़गे जी ने बोला की गाली क्या होती है, नालायक गाली है, नालायक गाली होती है, जो नालायक क्यों बोला जाता है, आप देखिए यहाँ पे बात हो रही है, ये नालायक बेटा, नालायक बेटा की बात हो रही है, गाली थोड़ी होती है, जब हम गड़बड़ करते हैं, हमारे को भी तो नालायक ही बोलते थे ना हमारे माता पिता, और घर में भी कोई जब कोई नालायक काम नहीं करता और जो वादे पूरे करने होते हैं, 2018 नालायक है, देखिए 2018 में आपके बेटे होशियार बेटे हैं, अब मैं बता, नरेंद्र मोदी देश के नालायक, पहली बात तो इनको समझाइए जरा कैसे नालायक, और मुझे दीजिएगा 40 सेकंड जितना इनको मिला, सबसे पहली बात, इनको सबसे ज्यादा तिलमिलाहट हो रही है कि एक पिछली जाति से आता हुआ इंसान इतना बड़ी पुरानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गया है, तो उनको इतनी, मैं इसलिए बता रही हूँ उनको, हर तो जाति की क्यों, उनके मफलर तक पहनने पे, क्योंकि उन्होंने एक महंगा मफलर पहना था, तो उस बात से भी भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो गई, आप भी जानते हैं क्या कॉन्ट्रोवर्सी हो, लेकिन ये सब कुछ जो आप बात भी कर रहे हैं, ये क्यों ये मुद्दे लेकर आए हैं, क्योंकि इनको अब अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता को पेश करनी है, जी जी देखिए ये तो गलत बात है ना, मतलब कोई पहन नहीं सकता, सिर्फ क्या मोदी जी पहनेंगे 20 लाख का चश्मा, लेकिन मेरा
मेरा सवाल, मेरा पॉइंट ये है कि आप कह रही हैं नरेंद्र मोदी नालायक है, नालायक बेटा है, और आप उसको डिफाइन करना चाह रही हैं। आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, आप डिफाइन करिए नरेंद्र मोदी कैसे नालायक है और राहुल गांधी सरकार नालायक है, ओके, और वो कैसे होशियार है, बताइए बताइए बताइए। इन्होंने, आपने बात करी यूसीसी और एनआरसी की, ये क्यों आज चैप्टर खुल रहा है, क्योंकि जनता कर्नाटक की इनसे सवाल पूछे कि इन्होंने 2018 में जो वादे किए थे, किसानों का कर्जा माफ करने का जो नहीं हुआ, फेयर एमएसपी देने का जो नहीं हुआ, स्त्री उन्नति निधि के में जो महिलाओं को सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिली, फ्री स्मार्टफोन मिलना था जो इन्होंने 2018 में वादा किया था वो नहीं मिला, जो 4,500 करोड़ की स्कॉलरशिप एससी और एसटी के बच्चों को मिलनी थी वो नहीं मिली, 57,000 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट में वेकेंट पड़े हैं, क्यों, क्योंकि इनकी नालायक सरकार है वहां पे, फ्री एजुकेशन नरेंद्र मोदी नालायक बेटा, कैसे आपने सरकार को नालायक नहीं बोला, आपने मोदी जी की सरकार है, आप बताइए नरेंद्र मोदी कैसे नालायक बेटा है और प्रियंका खड़गे राहुल गांधी कैसे होशियार बेटे हैं, बताइए ना। इसीलिए नालायकता ही तो है, जिस नेता के अंडर जिन्होंने वादे किए थे, ये वादे तो इन्हीं के नाम पे मांगे गए थे, क्योंकि जब चुनाव जीता जाता है तो वो मोदी जी के नाम पे जीता जाता है, वोट भी मोदी जी को जाता है, तो वादे भी मोदी जी के थे, लिस्ट में बता दी, ये बताए कि कैसे सुभाष को ऐड कर देती है, सुभाष मोदी नालायक बेटे हैं, नालायक बेटा है, और आपको लगता है बाकी प्रियंका खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये सब होशियार है और नलायक को नलायक ही बोला जाएगा जैसा राधिका जी कह रही है। शुभराष्ट्र, आमिर जी मैं चाहूं तो पलटवार इसी भाषा में कर सकती हूं, लेकिन मैं वो करूंगी नहीं। ऐसा है कि राधिका जी को की मजबूरी है कि वो इस स्टेटमेंट को डिफेंड करें, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि कल अगर इनके ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आकर के खड़गे जी के बेटे के खिलाफ बयान दे देगा तो फिर राधिका जी क्या करेंगे। आप किसी नेता को नालायक कहें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एक पॉलिटिकल अखाड़ा है, आप पॉलिटिकल अखाड़े में किसी भी पर्सनालिटी को खींचकर जो कहना है आप कहिए, लेकिन आप किसी के मातृत्व पे, पितृत्व पे, आप किसी कोई बेटा कैसा है, बेटी कैसा, ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं, इस पे मुझे पता है सवाल ये पूछा जाएगा, कह रहे मोदी जी ने भी तो पूछ दिया था कि बहुत सारे ऐसे सवाल किए गए। बात यह नहीं है अमिश जी, बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष के पास मुद्दा विहीन, एक तरीके से कहा जाए कि मुद्दा विहीन एजेंडा है, और उस एजेंडे के तहत ये हर तीसरे दिन कुछ न कुछ बोलते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि खड़गे जी के बोल बिगड़े थे और खड़गे जी को बिल्कुल सामने आकर जनता के सामने माफी मांगनी पड़ी थी, आज उनके बेटे ये कह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि उनके बेटे को भी नालायक कहा जा सकता है कि जो अपने पिता से नहीं सीखा, जिसने अपने पिता की माफी से नहीं सीखा, उसको हम लायक बोले या नालायक बोले। और मैं तो इसी क्रम में मैं आगे जोड़ना चाहती हूं कि वो व्यक्ति जो कि अपने परिवार की पूरी विरासत को धता बताते हुए भूल गया कि अमेठी उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी, हार गया वो कितना लायक है या कितना नालायक है, ये तो देश की जनता भी जानती है। लेकिन वही है ना कि अब मैं राहुल गांधी को एक नालायक सांसद कह सकती हूँ, मैं राहुल गांधी को एक बेवकूफ नेता कह सकती हूँ, लेकिन क्या मैं राहुल गांधी को एक बेवकूफ पुत्र बोलूं, क्या मैं उनको नालायक पुत्र बोलूं? ये सर्टिफिकेट वेंडिंग अथॉरिटी में नहीं ये मुझे लगता नहीं कि ओके। लेकिन कलीमुल हाफिज, यहाँ पर लायक और नालायक की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि मोदी नालायक है और बाकी सब होशियार है? कलीमुल हाफिज, देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो देश को आगे ले जाए वो लायकवर है और जो पीछे ले जाए वो नालायक है। अब देश को कितने आगे लेके जा रहे हैं मोदी जी और कितने पीछे लेके जा रहे हैं ये भी देश जानता है। अगर ये ध्रुवीकरण ना करें, अगर ये यूसीसी की बात और इस ये बात चुनाव के ऐन मौके पे ना करें तो ये इलेक्शन ना जीत पाए, तो ये इनकी लायक तो सवाल में पर्सनल उस पर नहीं जाता। हाँ मतलब बिल्कुल लायक नहीं है, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल देश का भट्टाधार कर रहे हैं। देश में जो सामाजिक सद्भाव था, जो देश की जो अकलियतें थी, वो जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती थी, आज वो डरा हुआ महसूस करती हैं। तो क्या लायक मरी है? जो कहती थी कि राजा के दौलत की पुलिस डर है, तो राजा लायक कैसे हो सकता है वो? हाँ नहीं, कोई भी कुछ भी कहे, मगर प्रदेश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? गौरव भाटिया आपका जवाब होगा, लेकिन ब्रेक के बाद होगा, और ब्रेक के बाद कर्नाटक चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे, सबसे नया सर्वे। ब्रेक। मोदी की रैली हुई और जो मोदी को गाली दी गई उसके बाद का सर्वे है।
और उससे पहले सर्वे में बीजेपी को में एक पीछे दिखाई दे रही लग रही थी, लेकिन यह पहला सर्वे आया है जिसमें बीजेपी अब आगे दिखाई दे रही है। अब इसी को मैं अगर थोड़ा और थोड़ा मैं हादसे की तरफ अगर ले जाकर के कहूं तो क्या खड़गे जी के जो सुपुत्र हैं वो क्या भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं कि उनके बयान के बाद अगर ये इजाफा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी में तो ये भी प्रश्न एक बनता है। तो अब लायक कौन है नालायक कौन है ये कांग्रेस पार्टी के दिग्गज आपस में खुद ही डिसाइड कर जी, मैं जी कर्नाटक लेकिन बीजेपी का पर्सपेक्टिव लेना अभी इस समय बहुत जरूरी है। शुभ्राष्ट्रा गौरव भाटिया ये नया सबसे नया सर्वे है जो बीजेपी को एक एज दिखा रहा है लेकिन बहुमत के आंकड़े से आप अभी भी दूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को राहुल जी तो लायक दिखाई दे रहे हैं, खड़गे साहब के सुपुत्र भी लायक दिखाई दे रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नालायक दिखाई दे रहे हैं। देखिए अमीर जी, पहले तो मैं ये कहूं आपके चैनल पे भी आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था कि कर्नाटका की जनता हमें स्पष्ट बहुमत दे चुकी है और हम अब अग्रसर हो रहे हैं कि हमारा विक्ट्री मार्जिन बढ़े लेकिन और इसीलिए हताशा में निराशा में अरे अच्छा आप बोल लीजिए सर्वे में स्पष्ट नहीं है तो जेडीएस जेडीएस के साथ निकटता बढ़ सकती है आने वाले भविष्य में। और कोई प्रश्न है? यही प्रश्न है। नहीं और भी याद आ जाएगा अभी आपको 10 सेकंड बाद कोई हो तो पूछिए। आएगा तो पूछ लूंगा मैं आपसे, आप अपनी बात आपको हक है अभी पूछ लीजिए, अभी पूछिए अगर है तो कोई तो मैं सारों का उत्तर एक साथ दे दूंगा। राहुल गांधी थोड़ी ना होगी मेमोरी चली जाए, अब हो गया तो मैं दूं धन्यवाद। तो आज जो है कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रही है। मैं केवल इतना कहूंगा अमीश जी, ये बात याद रखिएगा, इनके लिए नरेंद्र मोदी जी नालायक हैं क्योंकि 70 साल में जो नहीं हुआ अनुच्छेद 370 को हटाना वो हटा दिया। 35 साल तक ये लोग कहते रहे वन रैंक वन पेंशन देंगे, करके दिखाया नरेंद्र मोदी जी में वो नालायक है। जीएसटी ये लागू नहीं कर पाए और लागू करी नरेंद्र मोदी जी ने, नालायक कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ये वीवीआईपी चॉपर खरीदते थे अपने परिवार के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट लाए नरेंद्र मोदी जी, नालायक नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कितने लायक हैं? 70 साल में एक आईटी नहीं बना के दे पाए कर्नाटका में, धारवाड़ में आईटी दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं रखते हैं जनता के बीच में, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। पिछली बार आपकी सरकार थी, क्या कार्य आपने किया? आपने नहीं बताया, नहीं बताएंगे ये जी। इसके साथ इनका स्टैंड पूछिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो आरक्षण समाप्त हुआ है क्योंकि धर्म के आधार पे था, उस पर इनका क्या स्टैंड है? ये स्पष्ट भी नहीं कर सकते। ये लिंगायत और वोकलिका समाज से नफरत करते हैं और इसके कहते हैं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पर, क्योंकि बीजेपी ने इसको बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाया है। और ये पोस्ट मोदी रैली और जो नरेंद्र मोदी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, आपके अध्यक्ष जी ने अपशब्द बोले, उसके बाद का ये पहला सर्वे है, इसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। देखिए सर्वे बहुत सारे हैं, सर्वे अभी तक अधिकतर जो आए हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक आध सर्वे इनको फेवर में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। नालायक सरकार का जाना तय है, जैसे मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स गिनवाए, इनका एक भी जवाब इन्होंने नहीं किया। हर चीज को ये यूसीसी सिविल कोड पे ले आएंगे। आपका स्टैंड क्या, क्लियर करिए ना, गौरव भाटिया का मुंह बंद करिए, आपका यूसीसी का स्टैंड क्या है? गौरव भाटिया का मुंह बंद करने का मेरा काम नहीं है, वो कर्नाटक की जनता करेगी, जिनको इन्होंने 2018 में वादे किए थे, लोन वेवर करने का किसान का, एमएसपी देने का किसान का, जैसे मैंने बताया 57,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली पद है, 40% कमीशन कंप्लीट करने दीजिए जिनको इतना मौका मिला। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे बताई कि नड्डा जी ने आपके चैनल को वो दिया, नड्डा जी की बात करें बहुत अच्छी बात है, वो कह रहे हैं दोबारा सरकार आ रही है, वही नड्डा जी है ना जिनको खुद उनके हिमाचल के लोगों ने, जहां से वो आते हैं उन्होंने ही भरोसा नहीं उनमें जताया। तो आप तो हिमाचल किस तरह से इसी डबल इंजन के ऊपर वोट मांग रहे थे और यही नड्डा जी थे। मैं आपके बीच में नहीं बोली, जब मैं इनके बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोली गौरव जी, आप राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द बोल रहे थे, मैं तब भी नहीं बोली क्योंकि मैं इसको बहुत सकारात्मक तरीके से करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो 40% कमीशन सरकार आप चला रहे, दो आपके ही वर्कर जिनको सुसाइड करने में मजबूर हो गए, उनके लिए आपने क्या किया? कोई इंक्वायरी बैठी किस तरीके से वो सामने आया? नहीं आया।
फिर पूछूंगी 57,000 क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट में पद खाली पड़े हैं, क्यों आपने जो किसानों को कर्ज माफी का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, क्यों 4,500 करोड़ की स्कॉलरशिप जो SC ST स्टूडेंट को देने का आपने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। लगातार हर बार मैं इनके धर्म के बांटने की राजनीति में नहीं आऊंगी, संविधान का हिस्सा है UCC या ये वादे जो इन्होंने 2018 में कर्नाटक की जनता को करे थे वो संविधान की कांग्रेस स्टैंड लेना यूसीसी चाहती है नहीं चाहती, आप बोलिए हम नहीं चाहते यूसीसी, बीजेपी अगर चाहती है यूसीसी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते, पार्टी चाहती है जो 2018 में इन्होंने वादे किए थे उनके बारे में बताएं क्यों नहीं, क्योंकि वोट उसी आधार पर होगा, नालायक और लायक के बीच की जो कड़ी है वो उसी के बीच से पता चलेगी कि कितने नालायकता करी है। और मैं अपनी बात रखूं, ओके गौरव, लेकिन लेकिन राधिका यूसीसी में आपका कोई स्टैंड नहीं है? मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है, मैं आपको नहीं है भैया क्या उनके मुंह के अंदर हाथ डाल के थोड़ी ना निकाल लेंगे, सिंपल बात है 2018 में आपने पेज भर के वादे किए थे, गौरव आडे का जवाब लेते हैं, उनके ऊपर जवाब नहीं है। कलीमुल हाफिज भी कुछ कहना चाहते हैं जो यूसीसी के ऊपर कोई कांग्रेस पार्टी ना हां में है ना नाम है, ओके, लेकिन गौरव आडे 30 सेकंड बटल ठीक है, आप धन्यवाद। देखिए ऐसा है, दिमागी लकवा और दिवालियापन तो कांग्रेस पार्टी का हर कोई जानता है, जबानी लकवा भी मार गया है। आपने 5 बार पूछा यूसीसी अनुच्छेद 44 संविधान का लागू होना चाहिए, संविधान निर्माताओं ने कहा है, स्टैंड ही नहीं बता पा रही हैं, कह रही है मुस्लिम वोट ना छटक जाए, हिंदुओं की चिंता थोड़ी ना, हिंदू तो आतंकवाद ही है, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया, दूसरी बात इनको ये भी नहीं पता है, क्या हुआ है ना, कह रही है आप शांत, तब शांत, से सवाल पूछ रही हूं, शांत, आपने वादे किए साथ आप कर्नाटक की जनता को भी नहीं कर पाएंगे, बताइए इतनी नालायकी जो आपने करी है, मुझे लकवा हुआ मेरी पार्टी को, आप छोड़िए लकवा हो गया है क्योंकि 2018 में जो आपने वादा किया आपके लेवल की भाषा में इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि मैं आपके लेवल पे गिरना नहीं चाहती, मैं बस आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, कर्नाटक की जनता को जो आपने 2018 में वादे किए थे आपके खुद का कार्यकर्ता ने आत्महत्या करी, उसको कब इंसाफ मिलेगा? गौरव भाटिया जवाब, चलिए देखिए इनके लिए मैं इतना ही कहूंगा, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से, आपको तो थोड़ी विनम्रता लाइए अपने व्यवहार में भी, ना भाजपा में मिलती है। अच्छा चलिए प्लीज, अच्छा चलिए वो ये जमानत जब्त हो गई थी जब ये लड़ी थी, आपको तो टिकट भी नहीं मिलती, ये बताया जाता है कोई भी पार्टी टिकट नहीं मिलती, ऐसे ही फिरते रहते हैं थाली के बैगन की तरह। अमित जी आप आ जाइए, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, ओके गौरव, गौरव भाटिया को दिखाइए पहले, गौरव भाटिया 30 सेकंड आप अपनी बात को रख लीजिए, धन्यवाद। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, पहले मैं अपने जो कार्य हैं पार्टी के वो बता दूं और कर्नाटका के आंकड़े दे रहा हूं, स्वच्छ भारत मिशन में 48 लाख टॉयलेट बने, 1 करोड़ 1 लाख के घरों में जो है नल में जल आया, 7 लाख घर दिए गए, गैस सिलेंडर 32 लाख हैं, 15 लाख को जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है उसमें लाभार्थी हैं और लाभ हुआ, उसके अलावा 1 करोड़ 44 लाख हाउस होल्ड में बिजली भेजी है, स्टाइपेंड दिया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3 लाख स्टूडेंट है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, शांत शांत कराइए, वादों की बात करते हैं आप, बताइए राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर माफ किया, बेरोजगारी भत्ता देंगे किया नहीं, सचिन पायलट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब हिमाचल चलिए, हिमाचल में कह रहे थे महंगाई मुद्दा 3 रुपए वैट बढ़ा दिया डीजल पे, आइए छत्तीसगढ़ में गंगा जल में हाथ में रख के कसम खाई कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं चुका, मैंने खाई थी कसम, मैंने वो प्रेस वार्ता करी थी, यही गद्दारी है, गंगा जल की कसम खा के आपकी तरह झूठ नहीं बोलते, पहले बीजेपी में कुछ बोले, समाजवादी पार्टी राजस्थान में कुछ कर दिया, छत्तीसगढ़ में कर दिया, तभी वहाँ का किसान खुशहाल है, सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल करिए, जमानत जब्त हुई थी बताते हैं लोग 1100-1200 वोट मिले थे, 1100 थे कि 1200 थे, अरे के अरे हमें बताते ना 1100-1200 वोट वाली देता है, यहाँ पे आके जान दे रहे करती भाजपा 1100 वोट, यार शर्म आती है, जब गौरव भाटिया के पास अपनी सरकार के लिए जवाब नहीं होते वो मुझ पे पर्सनल अटैक करते हैं, बड़े हो जाओ गौरव भाटिया, इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, ऐसे करते हो जब केस हारते हो, ऐसे करते हो जब केस हारते हो, पर्सनल अटैक, शर्म आनी चाहिए कि आपको आपको एक महिला पे पर्सनल अटैक करने पड़ते हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए, इसीलिए कहते हैं
प्रधानमंत्री जी के लिए जो अपशब्द कह रहे थे वो पर्सनल अटैक है कि नहीं है? बचाने के लिए महिला हो गई। अच्छा महिला कार्ड आ गया। अच्छा महिला कार्ड आ गया। अच्छा जब महिला कार्ड आ गया, महिला आ गई। अच्छा अच्छा महिलाओं का सशक्तिकरण तो करा नहीं। प्रियंका वाड्रा गांधी को आप समझती है सारी महिलाओं का सम्मान उन्हीं का है? वरना बताइए 399 सीटों में 387 में जवान जब तो भाई क्या योग्यता है उनकी? उनका बेटा आगे चल के भविष्य का कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, यही एक उनकी विशेषता है ना। सिंपल बात अभी तक नहीं बता पाए। 60,000 पद क्यों खाली है? कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड रखें। चलिए पांच उपलब्धियां बताइए कर्नाटक में। पांच उपलब्धियां बताइए। चलिए पांच उपलब्धियां बताइए सरकार है आपको जब आपकी पांच कलेमुल ऑफिस का कलेमुल ऑफिस बताइए। यूसीसी पर आपके बारे में क्या कहे? एक सेकंड राधिका 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 स्टूडियो में मेरा निवेदन मानिए। राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा। ओके गौरव जी शांत। ओके कलीमुल ऑफिस मेरा बड़ा सवाल है। यूसीसी पे कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन बीजेपी का स्टैंड है कि यही कांग्रेस पे भारी पड़ता है कि कांग्रेस कई मुद्दों पे स्टैंड नहीं लेती है। दैट्स माय क्वेश्चन। नहीं तो बीजेपी अपना पहले ये स्टैंड साफ करे कि उसके जो मेघालय के जो चीफ अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने यह कहा था कि बीजेपी आ जाएगी तो यहां पे बीफ आम होगा और बीफ के खाना आम आवाम के लिए होगा। मैं खुद भी बीफ खाता हूं। तो क्या बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में बीफ को आम करेगी? दूसरी बात, खुद इसी सरकार के ला कमीशन ने यह रिकमेंडेशन दी थी कि हिंदुस्तान की जो विविधता है और बहुलता को देखते हुए यहां पे ये यूसीसी फिजिबल नहीं है और रिकमेंडेबल भी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है। तो क्या अपने ला कमीशन को वो नहीं मानेगी? तीसरी बात, वो मुस्लिम बहुल जो राज्य है कश्मीर, उसका तो उसने स्पेशल करेक्टर स्टेटस हटा दिया। क्या नॉर्थ ईस्ट का भी हटाएगी? यानी जो पहले से विविधताएं हैं क्या उसको वो हटाएगी? पहले तो कर्नाटक की बात हो रही है ना। कर्नाटक में यूसीसी पे कांग्रेस का जो स्टैंड है, क्या आपको लगता है वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। देखिए कर्नाटक जिस तरह से उत्तराखंड के इलेक्शन से पहले इन्होंने यूसीसी का शुरू पर छोड़ा, गुजरात से पहले इन्होंने शगुफा नहीं कर दिखाया छोड़ा, और अब ये कर्नाटक में चूंकि हार रहे हैं और वहां पे भी इन्होंने शगुफा छोड़ा है। मैं समझता हूँ कि इनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की चीजें हैं। कि एनआरसी की बात करेंगे, ये यूसीसी की बात करेंगे, हिजाब की बात करेंगे। मैं समझता हूँ कर्नाटक की जनता इनको नकार चुकी है और इन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है जी। लेकिन 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 ऑन अ सीरियस नोट, बीजेपी ने अगर कर्नाटक में इसकी बात करी है, उससे पहले बैकग्राउंड में अगर उत्तराखंड में बात करी तो चुनाव जीत के आए, गुजरात में बात करी एक थंपिंग विन मिली, उत्तराखंड में भी उतनी बड़ी थंपिंग विन मिली, तो दैट इज ऑल्सो पॉइंट। अगर अगर बीजेपी के लिए वो रणनीति काम कर रही है और वो संवैधानिक दायरे में है, वो हो सकता है बीजेपी की पॉलिटिकल टूल किट हो, लेकिन संवैधानिक दायरे में है तो उसको काउंटर करने के लिए विपक्ष के पास एक पॉइंट चाहिए ना, रेदर देन क्रिटिसाइजिंग की ये चीज करे। यूसीसी तो संविधान के दायरे में ही है कलिमुल। नहीं लेकिन नहीं, देखिए वजह यह है कि उत्तराखंड भी और गुजरात भी ये आरएसएस की लेबोरेटरीज हैं। यहाँ पे आरएसएस का जो हिंदुत्व जो फोर्सेज हैं उनका बहुत बड़ा कब्जा है, और कर्नाटक में इतना नहीं है। वैसे भी कर्नाटक में इनकी सरकार इतनी तो 4% मुस्लिम आरक्षण सही था, यूसीसी गलत था। अच्छा एक सेकंड गौरव 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 जस्ट वन सेकंड, कलीमुल कलीमुल कर्नाटक कलीमुल 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 क्या कर्नाटक में जो कांग्रेस के शासन ने करा था 4% धर्म के आधार पर आरक्षण जायज था? वो कांग्रेस ने जो 4% धर्म के आधार पे मुस्लिम आरक्षण करा था वो जायज था? धर्म के आधार पे नहीं है। किसके आधार पे था वो? ओबीसी को आरक्षण है, वो धर्म के आधार पर नहीं है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण किसके आधार पे था? ब्यूरोक्रेसी, मुसलमानों को जब स्कीम का नंबर आता तो उन्हें मिलता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वो रिजर्वेशन भी नहीं। कान को आप एक तरफ से पकड़ना चाहते हैं दूसरी तरफ छोड़ देंगे। यूसीसी जो संवैधानिक दायरे में है वो गलत है। हम तो सब नहीं, यूसीसी जो संवैधानिक दायरे में होगा वो गलत है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण जो संवैधानिक दायरे से बाहर है वो जायज है। ओके देखिए पहली बात तो वो संवैधानिक दायरे में है, अगर संवैधानिक दायरे में नहीं होता तो इनको फटकार नहीं लगती सुप्रीम कोर्ट से। और दूसरी बात ये, अगर कानून के आधार पर है क्या पूरे इंडिया में क्यों नहीं अलाउ? गौरव भाटिया गौरव भाटिया रिप्लाई। ओके स्ट्रेट रिप्लाई फ्रॉम गौरव भाटिया। देखिए अमित जी, आपने इनकी नब्ज ऐसी जगह पकड़ी है, दर्द हो रहा है। और संविधान ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, केवल कुरान कुरान पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे नहीं। मैं इनको कुछ तथ्य बताता हूँ। पहला तथ्य, जो आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए मुसलमानों को दिया,
वो समाप्त होना बिल्कुल सही है क्योंकि संविधान यही कहता है अनुच्छेद 14, 15, 16। दूसरा इन्होंने झूठ बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऑर्डर पर क्यों उन्होंने खत्म कर दिया? शांत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक दिया? जब कोई बड़ा ज्ञान दे रहा होता है तो आपका संवैधानिक था अमित जी, शांत कराइए, सुप्रीम कोर्ट आप अलाउ कर देता। शांत कराइए इनको, एक एक करके गौरव कराइए ना अमित जी, आप कैसे बोलेगा? देखिए इनको ये भी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित करके रोक नहीं लगाई। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने खुद वक्तव्य दिया कि अगली तारीख तक इसको लागू नहीं करेंगे। दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन ये क्या जाने। तीसरा, जाके ओएसी जी के सामने खड़े होके पूछना क्यों बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बता मजा चखा देंगे। ये जाके पूछना हम 100 करोड़ पे भारी है, हम 20 करोड़ हैं, ये बोला वारिस पठान ने। अरे सांप्रदायिक राजनीति करते हो, संविधान में लिखा है यूसीसी लागू होना चाहिए, अगर एक अच्छी शुरुआत हो रही है तो तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करते हो? क्यों नहीं सही बात संविधानिक बात करते हो? और अमित जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मुसलमानों को धर्म के आधार पे कांग्रेस ने आरक्षण दिया तो वो सेक्युलर था कि नहीं था, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कलीमुल इसका जवाब, कलीमुल 30 सेकंड इसका जवाब दें, शुभराष्ट्र ऑन सेम टॉपिक। देखिए अगर अगर इनका ये संवैधानिक इनका फैसला होता आरक्षण खत्म करने का तो ये सॉलिसिटर जनरल वहां कहते ही नहीं कि हम लागू नहीं करेंगे और उसको अप्रूव नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये वकील है और वहीं खड़े होते हैं तो इनको ज्यादा पता होना चाहिए, हमसे ज्यादा पता होना चाहिए। दूसरी बात कि जो जब आप आरक्षण जजमेंट आ गया है तो 27% जजमेंट आ गया, नहीं जजमेंट नहीं आया तो ऑर्डर तो आया ना 9 तारीख तक कुछ भी ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर तो बताया तो वो तो स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड किया है, स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड का है, स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर दिया ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप मुझे रिकॉर्ड कर दिया ना उन्होंने, ये तो रोक थोड़ी ना लगी, कोई आदेश में रोक थोड़ी ना लगाई, गुणवत्ता पे रोक थोड़ी ना लगाई। आप बताइए, आपको यही नहीं पता? अच्छा आप मुझे ये बताइए, अच्छा आप एडवोकेट हैं, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? मुझे भाई साहब इतना बता दीजिए कि सॉलिसिटर जनरल ने क्या मजबूरी है कहने की, हम करेंगे कुछ इस पे? मैं पूछ रहा हूं, कुरान का सूरा है तो आप सर भाटिया साहब मेरे सवाल एक जवाब दीजिए, 15 क्या कहता है बताइए, एक एक मेरे सवाल का जवाब, मेरा आप सवाल का पहले दीजिए फिर मैं दूंगा के आपके। अरे अनुच्छेद 15 कहता क्या है ये तो बता दो, भारत के संविधान का पूछ रहा हूं, सरकार के ऑर्डर के खिलाफ यही नहीं पता जनरल को क्यों कहना पड़ा? क्या बोला, क्या कहता है अगर वो संविधान, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है बताओ, अनुच्छेद 16 क्या कहता है संविधान का बताओ। नहीं मैंने जो पूछा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, चलिए पूरा भारत देख रहा है, पूछना चाहता हूं आपको खुद ही नहीं पता संविधान क्या कहता है और यहां पे चर्चा पे आ जाते हैं, सरकार के ऑर्डर के खिलाफ ही क्यों वापस लेना पड़ा आप बताइए ना मुझे, क्यों वापस लेना पड़ा? शुभराष्ट्र मेरे सवाल का उत्तर, शुभराष्ट्र मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे, शुभराष्ट्र हमारे पास सर्वे आया है जो न्यूज 18 कन्नड़ का, वो सर्वे दिखा रहा है बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है। दूसरी तरफ यूसीसी संवैधानिक दायरे में, बेशक भारतीय जनता पार्टी की वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो लेकिन दैट इज वर्किंग, वो उत्तराखंड में काम करके गई, गुजरात में उसने काम करा और जो रणनीति काम करती है उसको पार्टी अपनाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस का उत्तराखंड में कोई स्टैंड नहीं था, कांग्रेस का गुजरात में कोई स्टैंड नहीं था। तीसरी तरफ अगर आप मुस्लिम आरक्षण यानी धर्म के आधार पर आरक्षण को जायज सिद्ध ठहरा रहे हैं जो कि संविधान के विरोध में है क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, दूसरी तरफ यूसीसी जो कि संविधान के आधार पर है वो गलत है, वो बांटने की कोशिश है और मुस्लिम आरक्षण जोड़ने की कोशिश हो रही है। जी आमिर जी, ये जो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो आज का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आजादी के पहले से चलता चला आ रहा है। इस मुद्दे पर ये एक पॉलिसी का मुद्दा है और पॉलिसी के मुद्दे पर कमोबेश कोई भी विपक्ष या कोई भी सत्ता पक्ष कभी भी एक दूसरे से आंख में आंख मिलाकर नहीं देख पाया, ये बात हमेशा से रही है, आज भी वही है। कभी कांग्रेस यूसीसी के समर्थन में हुआ करती थी जब नेहरू जी की सरकार थी, पर उस समय भी तब का विपक्ष और तब का जो सत्ता पक्ष था वो भी आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे से नहीं देख सकता था। तो आज हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक टेलीविजन डिबेट में यहाँ पर कलीमुल्ला जी या फिर राधिका जी या गौरव भाटिया जी एकदम सौहार्दपूर्ण तरीके से कह दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बात जहां तक कर्नाटक चुनाव की है, ये मुझे लगता है कि हमारी राजनीति की एक बहुत बड़ी कमी है आमिर जी, कि जब जब चुनाव आते हैं तो ये सारे पॉलिसी के मुद्दे गरमाने लगते हैं,
लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पाता पॉलिसी के अराउंड, इसीलिए वो मुद्दे राजनीतिक होकर रह जाते हैं और राजनीतिक सुगुगाहट के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टैंड ले लेगी तो बीजेपी को भी फायदा नहीं मिलेगा। फिर अगर कांग्रेस बड़ा स्टैंड ले ले तो बीजेपी को कैसे फायदा मिलेगा? कांग्रेस उसके अगेंस्ट रहती है, बीजेपी उसके प्लस रहती है, तो कांग्रेस को हमेशा नुकसान ही होता है इसका। एंड राधिका खेड़ा, आप लोग समझते नहीं है या समझना चाहते नहीं? पॉइंट ही, एक सेकंड राधिका खेड़ा, फाइव सेकंड, आप नहीं समझना चाहते? मैं एक चीज समझती हूँ कि बहुत मुद्दे हैं जिससे ये देश जूझ रहा है, जिनके ऊपर सवाल और जवाब चाहिए, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, उन पे कोई चर्चा नहीं होती। गुजरात में आपने उठाया, क्या बोला बुआ? तो हम क्या बेरोजगारी और महंगाई के बाद उठाना बंद कर दे? पब्लिक नहीं कलेक्ट कर रही ना उन मुद्दों से आपके साथ? क्यों, हिमाचल में हमारी सरकार आई और अभी कर्नाटक में भी आएगी अमीश जी, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, आपके साथ ही बैठूंगी जब चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों जगह आएगी, क्योंकि देश अब सवाल पूछ रहा है, चाहे अडानी का किया हुआ। ठीक है, समय 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 समय, एक सेकेंड, लेकिन अब एक और बात, कर्नाटक में इन दिनों कुर्सी वाला रण छिड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी को लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं और इतिहास रहा है कि जब जब प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने गाली दी है उन्हें चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ गया है। यानी कांग्रेस के लिए गाली सेल्फ गोल की तरह साबित होती है। लेकिन अब मैं आपको कांग्रेस के 30 साल पुराने सेल्फ गोल के बारे में बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से कर्नाटक की सत्ता कांग्रेस से छिन गई थी। व्यूअर्स, बात 1990 के दशक की है, लाल किशन आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा लेकर निकले थे। इसी दौरान 3 अक्टूबर 1990 को कर्नाटक के दावणगेरे में एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां शोभा यात्रा के बाद सांप्रदायिक दंगा हो गया था। तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरेंद्र पाटिल थे, जबकि कांग्रेस की कमान स्वर्गीय राजीव गांधी के हाथ में थी। वीरेंद्र पाटिल बड़े लिंगायत नेता थे, हिंसा की वजह से राज्य में माहौल तनाव भरा था, लिहाजा कांग्रेस हाईकमान पर काफी दबाव था। सिचुएशन हैंडल करने के लिए राजीव गांधी ने दिल्ली से कर्नाटक पहुंचे। हिंसा से कुछ दिन पहले ही सीएम वीरेंद्र पाटिल को दिल का दौरा आया था, यानी जब राजीव गांधी कर्नाटक पहुंचे तो मुख्यमंत्री बेड रेस्ट पर थे। ऐसे वक्त में स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा कि राज्य को किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता जो अस्वस्थ हो। यहां तक तो राजनीतिक हालात फिर भी कंट्रोल किए जा सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि इसके बाद जो एक्शन राजीव गांधी ने लिए उनके रिएक्शन कांग्रेस के लिए सालों तक भारी पड़ गए। दरअसल स्वर्गीय राजीव गांधी ने वापस लौटते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट से वीरेंद्र पाटिल को पद से हटाने का ऐलान कर दिया। कहा तो यहां तक जाता है कि राजीव गांधी बीमार वीरेंद्र पाटिल से मिलने तक नहीं पहुंचे थे। बस फिर क्या था, वीरेंद्र पाटिल के साथ इस बर्ताव को लिंगायत समुदाय ने अपनी अस्मिता के साथ जोड़ दिया और नतीजा यह हुआ कि 1989 में वीरेंद्र पाटिल की अगुवाई में 178 सीट जीतने वाली कांग्रेस 1994 में 36 सीट पर आ गई थी और बीजेपी 4 से 40 पर पहुंच गई थी। लिंगायत समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोटर बन गया। साल 1999 में 44, 2004 में 79 और 2008 में 110 यानी 110 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। 2008 में लिंगायत वोटों के ही सहारे बीजेपी ने पहली बार कर्नाटक की सत्ता संभाली और बीएस येदुरप्पा, जो कि बड़े लिंगायत नेता थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना डाला। अब फिर कर्नाटक में चुनाव होने हैं। बीजेपी, कांग्रेस और लिंगायत समुदाय को 30 साल पुराना कांग्रेस का सेल्फ गोल याद दिला रही है। हालांकि कर्नाटक की सत्ता की चाबी रखने वाले लिंगायतों का आशीर्वाद क्या एक बार फिर बीजेपी को मिलने जा रहा है, या फिर इस बार लिंगायत कांग्रेस के साथ आएंगे, बाजी पलट जाएगी, इसकी तस्वीर 13 मई को साफ हो जाएगी। यही कहानी है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आज हम आपसे जरूर सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि सीए और एनआरसी वाकई पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है, और क्या यूसीसी पे कांग्रेस की खामोशी, मौन कांग्रेस को नुकसान दिला सकता है? ये कुछ बड़े गंभीर सवाल है। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।